The hurricane is now category 5. Stay away from all windows and extinguish all flames. Repeat, extinguish all flames. इट्स तो कॉस्टली यार, लेकिन क्या है ना, अच्छा है, पेट तो भर जाएगा ना। ट्रेजर हंट में ये लोग 45 मिनट्स लगेगा बोलकर बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 45 मिनट्स लगेगा। मुझे लगता है कि जितना स्पीड में ये चल रहा है ना क्राउड, 45 मिनट्स में तो पूरा राइड ख़त्म हो के हम आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए ट्रेजर हंट में आप आराम से चले जाओ, 45 मिनट्स लिखा हो तो। वैसे ये ख़त्म होने के बाद कितना मिनट टाइम लगा मैं बता देता हूँ। ट्रेजर हंट पे ना बिल्कुल मत जाओ भाई, वहाँ पे ना मुझे ऐसा लगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया और कुछ नहीं। ये तो 45 मिनट से दिखा है इन लोगों ने, उसको सोच के 45 मिनट लगे बोल, जिसने भी स्किप किया ना वो अच्छा किया, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद। अगर आपके पास बच्चा है, बच्चे वो गाड़ी को चलाने जैसा उनको फील आएगा, वैसा मतलब उसमें क्या स्टेयरिंग वगैरह है वो लोग उसको चलाने के लिए कोशिश करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप पे आपके पास टाइम नहीं है उसमें बिल्कुल मत जाओ।
जस्ट हम 6 बजे आए यार, अभी इन लोगों ने बोला कि क्लोज हो गया, गलत है ना यार। जस्ट यहाँ पे हम आए, हम लोग ना एक्चुअली ऑन टाइम थे यार, 6 बजे है ना, अभी 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ था, फिर भी वो बोल रहे थे कि बंद हो गया। ऐसे थोड़ी चलता है भाई, 6 बजे तक ही है, एक्सप्रेस पास लेने के बाद भी ऐसा होता है तो क्या मतलब है बताओ। उसने तो मुझे फिर से जाके बोला कि तुम लोग छोड़ नहीं रहो, फिर भी उसने छोड़ा नहीं। सही बंदा नहीं है यार ये, एक्चुअली अच्छा था। आपको मैं दिखाता हूँ, देखो रोलर कोस्टर जैसा मिनी रोलर कोस्टर था, ड्रैगन वाला एक राइड था, उसने छोड़ा नहीं यार। प्रॉपर हम 6 बजे आए थे फिर भी उसने छोड़ा नहीं, ऐसा कैसे चलेगा। अभी कुछ चीज़ें एक्चुअली गूगल मैप में दिखा रहे थे 11 o'clock तो ओपन है, शायद उसके पहले ही ओपन था ये सब इवेंट में, हम लोग थोड़ा लेट होके लग रहा है। कितना बजे ओपन है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा, क्योंकि एक एक इवेंट 10 बजे से स्टार्ट हुआ है। आप बेटर है जल्दी आके यहाँ पे वेट कर लो, वही बेटर रहेगा आके रहने के लिए। फिर आप 9:30 9 o'clock तक आएंगे ना, वही बेटर है। वैसे कुछ यूट्यूब वीडियोस देखा था, उसमें बताया उन लोगों ने कि जल्दी चले जाओ, फिर भी गूगल मैप में डेट मतलब टाइम चेंज था ना, मुझे लगा कि विंटर का टाइमिंग होगा। और ये तो ऑलमोस्ट 6 बजे सब कुछ बंद हो रहा है। देखो ये रोलर कोस्टर वगैरह जो मेन था वो तो हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। अभी चलो यूनिवर्सल स्टूडियोज के लिए हमने 5000 पर पर्सन का टिकट खरीदा था, और यूनिवर्सल पास के लिए हमने 4800 रुपीज़ का पर पर्सन का टिकट खरीदा था। अगर आप पूछेंगे कि यूनिवर्सल पास लेना है कि नहीं लेना है, मैं बोलूँगा डेफिनेटली ले लो, आप 5000 रुपीज़ देंगे, प्लस आप सिंगापुर गए हो इतना खर्च करके, थोड़ा और ज़्यादा स्पेंड कर लो, और वहाँ पे जितना भी इवेंट्स है वो सब कवर कर सकते हैं ना आराम से, नहीं तो आपको सब कुछ कवर करने के लिए होगा नहीं। जो आप 5000 पर्सन वाला यूनिवर्सल स्टूडियोज का टिकट खरीदेंगे उसमें आप सब राइड्स पे आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें आप अलग वाला क्यू में जाना पड़ेगा। यूनिवर्सल पास लेंगे तो आपके लिए अलग से लाइन रहेगा, उसमें आप आराम से जा सकते हैं। और ये भी रिकमेंड करूँ, अगर आप वो सीज़न में जाएंगे जिसमें बहुत लोग घूम रहे होंगे, वो टाइम पे आपको पक्का यूनिवर्सल स्टूडियोज का एक्सप्रेस पास लेना ही है, नहीं तो आप सिर्फ मेन इवेंट्स ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो बेटर है आप यूनिवर्सल एक्सप्रेस पास खरीद लीजिए। और अभी हम लोग जब सेंटोसा से वापस आ रहे थे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी एमआरटी स्टेशन है, वहाँ से हम बाहर आते ही यहाँ पे चाइनीज का पूरा फूड कोर्ट है, बहुत बड़ा है। हम तो ऐसे खड़े थे वहाँ पे, एक्चुअली हम दूसरे जगह जाने वाले, हॉकर स्ट्रीट जाने वाले थे, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा है, रेट भी बहुत रीजनेबल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं अभी। और हम आप लोग देख सकते हैं कि रोस्ट चिकन चॉप प्राइस 6 रुपीज़ का है, और चिकन विंग पेपर 1 किया है हमने, बहुत सस्ता में हो गया है ना। और ये राइस वगैरह जो भी दिया हुआ है बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। हमने अभी और एक डेसर्ट लिया $3.5 का, और मैंगो फ्रेश मैंगो विद मैंगो आइसक्रीम। इन्होंने जो गोला बनाता है ना, गोला बनाया और उसमें फ्रेश मैंगो डाला और मैंगो का आइसक्रीम ट्राई करते थे इसका। जो झोला आपने खाया होगा ना तो फ्रेश टाइप है, आराम से खा सकते हैं। झोला में तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन बहुत अच्छा है। सर जो मैंने ऊपर से कलेक्ट मिल भी डाला है, अच्छा है, खा सकते हैं, बहुत अच्छा है। यूट्यूबर निक एंड कैरी में जो कैरी बबल टी पीती रहती है ना, उसको देख के मेरा भी बबल टी पीना है, बिल्कुल पूरा सिंगापुर ढूंढ लिया। फाइनली हम बहुत जगह ढूंढने के बाद, बहुत जगह पूछने के बाद अभी हमें बबल टी मिल गया भाई,
$4.4 है उसका मीडियम और लार्ज $5.4 है। उसने बोला कि मीडियम वाला लेंगे, तो अभी खड़ी है बेचारी और वह देख के गोल्डन बबल मिल्क टी, देखते हैं उसको पेश करके कैसा रहेगा। ठीक है, सब बता देंगे आप लोग। आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं, ये देख सकते हैं कोई दी 616। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, सिर्फ चाय वाय बनाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी थोड़ा सा कम हो गया, हमारा बबल टी शायद बन रहा है। मैं भी एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, मैं भी देख रहा था बबल टी क्या होता है। ये जो ये है ना वीवो सिटी का जो मॉल है उसमें है द कोई, लेवल B2 है, बेसमेंट 2 है, उसमें है ये द कोई बोलकर एक रेस्टोरेंट है, इसमें आप ज़रूर आ जाइए अगर आपको बबल टी ट्राई करना है। और इसका ना वेटिंग टाइम ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट था यार। ठीक है, ये देखो फाइनली कुकू का बबल टी मिल गया, गोल्डन बबल टी। और बबल डालने में के लिए इन्होंने कुछ तो गोल्डन कलर कुछ तो डाला इन लोगों ने। ओके बहुत अच्छा नहीं है, टी है हाँ। चाय तुम कितना पैसा लेके पी रहे हो, कितना पैसे वाला चाय है? 260 रुपये। अच्छा है, चाय है बस, अंदर कुछ तो ठीक है बबल नहीं कुछ तो है। मुझे लगता है वो जो साबुदाना आता है ना वैसा लग रहा है। ठीक है यार, बबल टी ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे पीते हैं लोग। हाँ मत पियो, ठीक है। अगर यहाँ पे बहुत टाइप्स है, अगर आप चाय लवर है, अगर कुछ अलग से ट्राई करना है तो कर लो, नहीं तो ऐसा कुछ खास नहीं है। बट सब लोग यूट्यूबर्स जो सिंगापुर में मस्ट ट्राई फूड में काया टोस्ट बोल रहे थे, हमने बहुत जगह पे ट्राई किया, कुछ जगह पे थे नहीं, मतलब ख़त्म हो गया था। फाइनली अभी हमें मिला बटर एंड बी में बी, अच्छा था यार, बहुत अच्छा था, स्वीट बहुत डिफरेंट टेस्ट था, अच्छा था। आप अगर ट्राई करना चाहते तो ट्राई कीजिए। हमारे यहाँ $2.5 कुछ तो था, सॉरी $2.4 था, अच्छा था। और इसके ऊपर एक जगह पे वहाँ पे तो $2.1 मल्टीग्रेन और $2 सिंपल ग्रेन था। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए, अच्छा है, खा सकते हैं, बहुत अच्छा है।